The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal. Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. So dosto, agar aap wazan badhana chahte hain, agar aap bahut patle hain और यंग एज हैं, आप टीनेजर हैं, आप चाहते हैं कि मैं बॉडी बनाऊं, मैं जिम जाता हूं, मुझे कुछ सप्लीमेंट लेना चाहिए, मुझे लगता है मैं बॉर्नविटा ले लेता हूं, मैं हॉर्लिक्स ले लेता हूं, मैं ये ले लेता हूं, मैं वो ले लेता हूं, मेरे को वे प्रोटीन लेना चाहिए क्या, तो आपके लिए आपका पहला वे प्रोटीन कौन सा होना चाहिए, ये आज हम जवाब देंगे आपको, और उसमें किस प्रकार का होना चाहिए। याद रखिए, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका वजन या तो ठीक ठाक है या उससे थोड़ा कम है या काफ़ी कम है। सो ऐसे लोगों को जो वे प्रोटीन लेना चाहिए, उसमें आइसोलेट नहीं, ज़रूरत नहीं है आइसोलेट की। आइसोलेट वे वो होता है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और ना के बराबर 90% के आसपास प्रोटीन होता है एंड 10% के आसपास या उससे भी कम 5% के आसपास कार्ब्स होता है। हाइड्रोलाइज प्रोटीन में 95% वे होता है, 5% कार्ब्स होता है। सो आज हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन का, और कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन जो होता है उसमें काफ़ी कम प्रोटीन होता है इनसे आइसोलेट के मुकाबले, लेकिन एक नेचुरली प्रेजेंट जो बॉर्नविटा और दूसरे वाले जो ड्रिंक्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट होता है। उसमें आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में कहीं भी 30% 25% से लेके 50% तक वे प्रोटीन हो सकता है, और बाकी के कार्ब्स हो सकते हैं, शुगर एडेड हो सकते हैं, लेकिन शुगर एडेड का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे ही आप खा रहे हो घर पे अपने कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी दाल चावल जो भी खा रहे हैं, ब्रेड बेकरी खा रहे हैं, तो उसमें से शुगर तो मिलेगी, तो शुगर एडेड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर भी टेक्निकली आपके पास में जो वेट गेन करने वाले लोग हैं वो वैसे ही अलग से ले सकते हैं। तो उनके लिए जो बेस्ट वन ऑफ द प्रोटीन जो आया है, जो नया निकाला गया है अभी एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन ने, दिस इज़ योर माई फर्स्ट वे फ्रॉम एब्जॉर्ब। अब ये क्या है, देखिए हज़ारों प्रकार के वे आते हैं, वैसे इन्होंने भी एक दो टाइप निकाल लिए। इसमें क्या है, इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट कार्ब्स और प्रोटीन का मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली इक्वल मतलब एक स्कूप में आपके 14 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलेगा और 15-15.5 ग्राम आपको कार्ब्स मिलेंगे। थोड़े से कार्ब ज़्यादा है, थोड़ा सा प्रोटीन कम है। इट्स नॉट आइसोलेट, इट्स अ ब्लेंडेड प्रोटीन। व्हाट इज़ अ ब्लेंड प्रोटीन? ब्लेंड का मतलब है उसमें आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट दोनों मिला दिया गया है, मिला के बनाया गया है ब्लेंड प्रोटीन। सो इसमें क्या है, 14 ग्राम प्रोटीन और बाकी आपको मिलेंगे कार्ब्स। सो ये क्या करेगा, ये एक बैलेंस बनाएगा। ना तो प्योर वेट गेनर है कि बस चर्बी आ जाए, कैसे भी मोटे हो जाए, नहीं, और ना तो प्रॉपर आइसोलेट प्रोटीन है कि भाई वजन कम हो जाए। तो ये वेट मेंटेन करेगा, आपका वेट मेंटेन भी करेगा और गेन करवाएगा, मसल गेन, वेट गेन, लीन मसल मास। सो दिस इज वेरी गुड फॉर बिगिनर्स, वेरी गुड फॉर बिगिनर्स, खासकर जिनको वजन बढ़ाना है, जिनको मसल मास बढ़ानी है, जो पतले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ इसमें एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले गए हैं इसमें, डाइजेशन के लिए थोड़ा बेटर हो जाता है, क्विक डाइजेशन हो जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नॉट सो मच ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज़ देयर। सो इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर है, प्रोटीन के साथ जो एडेड प्रोटीन्स में BCAAs, ग्लूटामीन, एसेंशियल अमीनो एसिड, ये सारे जो हैं उसकी एक अमाउंट इन्होंने दिया हुआ है कि इतना इतना, यहाँ देख सकते हैं आप, इतना इतना BCAA, इतना इतना ये, इतना इतना ये है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स इज योर टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, द मेन कंपोजिशन एंड व्हाई यू आर टेकिंग इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई यू आर टेकिंग। इफ यू आर टेकिंग इट लाइक ये ले रहे हो अगर कटिंग के लिए, सो और बेटर ऑप्शंस हैं आपके पास, आइसोलेट है, हाइड्रोलाइज है। और अगर आप एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो, वे वज़न बढ़ाने के लिए वज़न बढ़ ही नहीं रहा, तो फिर आप प्योर कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन जिसमें कि 70% 75% तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एडेड शुगर होती है, फिर तो कोई वो भी ले लोगे, हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स तो भी चलेगा, ये ले लोगे, वो लोगे। बट द पॉइंट इज,
एक बैलेंस के लिए, एक बेटर अप्रोच के लिए, लीन मसल, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स भी नहीं लेने हैं, ओके ओके रेट में होना चाहिए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, न्यू ऑप्शन. सो यू कैन चेक इट आउट. इसका मैं लिंक नीचे आपको दे दूंगा, आप इसको चेक करो. इसके ऑब्वियसली इसके जो लिंक है वो परचेस लिंक मैं नीचे दे दूंगा. इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा शुगर एडेड नहीं है. कार्ब्स एज कम्पेयर टू अदर वेट गेनर्स बहुत कम है, मास गेनर्स से कार्ब्स इसमें काफ़ी कम है. सो एक बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से माई फर्स्ट वे नाम के लिए. ऐसे माई फर्स्ट वे आपको और भी कंपनी के मिलेंगे. हाँ, इस कंपनी को हम जानते हैं तो हम आपको इस कंपनी का बता रहे हैं. सो दिस इज देयर. थैंक यू सो मच. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बाय इट. एंड please keep sharing, keep watching my video. This is Dr. Paramjeet signing out. Take care. Bye-bye.